अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या नाम है आपका? तंजीला। तंजीला, हुआ क्या है तुम्हारे साथ? मेरे बट्टे पे शादी हुई थी और उन लोगों ने ना अभी भाभी की तलाक ले ली, तो मेरी भाई वगैरह सब कहते थे तुम भी लो। मैंने कहा नहीं, मैंने लेनी। सो हमारे ससुराल वाले कहते थे भी तुम भी जाओ अपने घर, जाओ अपने सबके पास। तो मेरे अम्मी अबू नहीं था, कोई भी नहीं है मेरा। अम्मी अबू का है? अम्मी अबू का है। अबू फोत हुए 10 साल हो चुके हैं। अम्मी ने आगे में शादी कर ली, तो बस एक दो भाई, एक छोटा है मेरा भाई, 3 बच्चे हैं। मैंने इसलिए मैंने कुछ फैसला नहीं किया। मैंने कहा नहीं, मैंने यही घर बनाना। उन लोगों ने बिस्तरे भी जला दिए, सब कुछ जला दिया। हाँ जी, चारपाई भी तोड़ दी, बर्तन भी तोड़ तोड़ के फेंक दिए, सब कुछ खत्म कर। तो हमने इसको क्यों नहीं बताया तुमने? मैंने नहीं बताया। मैंने कहा नहीं, हमारा घर है, हम क्या करें। हमारे घर का मामला है, तो हम इधर आ गए लाहौर में, आ गए जान छुड़ा के। हमारा कुछ सामान बचा, हम किसी के घर रख के आए। हमें घर भी नहीं, आने ही नहीं दे रहे, कोई भी नहीं घर आने दे रहा। जब भी जाता है मेरे शौहर को खूनों खून कर देते हैं, कहते हैं तुम इसे छोड़ो। वो कहते हैं भी मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं कैसे छोड़ूँ। तो मैं भी कहती हूँ मेरा अम्मी अबू अगर होता ना, तो मैं फिर भी ऐसे फैसला कर लेती। मैंने कुछ फैसला नहीं किया। मैंने कहा ये ठीक है, हम बाहर गुजार लेंगे, लेकिन ऐसे ही गुजारेंगे। हाँ, हमने खाना वैसे ही नाश्ता नहीं किया। हमारे पास 2 रोटी का आटा पड़ा था, हमने वो ही बनाया सुबह, और उनको किराया दे दिया हमने। अभी से भी मैं चाय बनाई, बच्चों को चाय दे के मैं इधर आ गई हूँ। तो जो आपने बिस्तरे दिए थे ना, वो ही हमारे बच्चे पहनते हैं। वो भाई ने देखा, हमारे पास कुछ भी नहीं है नीचे पहनने के लिए, बस चटाई वो भी फटी हुई है, हम वो नीचे पहनते। मेरे बच्चों को बुखार हो जाता है ठंड से, नीचे बहुत ठंड लगती है। चलो बाहर रह के हम अपना गुजारा कर लें। आसरा तू बना मुझको बेआसरों का, मुझको राहबर बना तू उन रास्तों का, जिन पे चल के रजा तेरी पूरी करूं। फिर गुनाहों की दलदल में मैं न गिरूं, मैं गुनाहगार हूँ मौला माफ तू कर। मैं गुनाहगार हूँ मौला माफ तू कर। माफ